8:11 राम राम सभी को। कैसे सारे, होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो दिन की शुरुआत अभी हुई है, मैं कल काफ़ी ज़्यादा थक गया था इसलिए आज रनिंग कर रहे नहीं गया हूँ। नाउ लेट्स गो, मंदिर चलते हैं। मंदिर तो कंपलसरी है और कहीं जाऊँ चाहे या ना जाऊँ तो मंदिर चलते हैं। और व्लॉग की एडिटिंग भी नहीं किया है मैंने, कोई ना, मैं स्कूल से आके फटाफट एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे एडिटिंग। और लेट्स सी कितना कर पाता कितना नहीं। और अंकल अंकल गुड मॉर्निंग। कल ना बहुत ज़्यादा स्कूल में दौड़ लिया था। बस आप अकेले? मैं सुमित नगर में, हम ही नहीं। अच्छा, अरे यार आज तो कोई नहीं गया, सुमित गया और नंदन अंकल बस। वाह क्या लगता है भाई अंकल, क्या लगता है हम सेक्सी बाइक है। वैसे आज का मेरा व्लॉग भी था, दुनिया की सबसे सेक्सी बाइक। भाई इस गाड़ी की रिव्यू चाहिए तो बता दो मेरे को। आज अचानक से दिमाग में आके इसकी भी रिव्यू कर ही डालते हैं। सो आपको चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। रोड पे आके आप तो कॉमन सी बात है शोर होगा। चलो रेडी होके मिलता हूँ आप लोगों से। मैं वर्कआउट किया नहीं आज तो, बस सूर्य नमस्कार 10 लगा ले रहा हूँ, हो जाएगा मेरा। गाना चल रहा है बैकेंड में, मैं सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ बस दैट्स ऑल। टाइम लगता देख लो, जितना हो पाया उतना कर लिया। अभी बिगिनर हूँ, लगभग 5 दिनों से सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ तो धीरे धीरे सही हो जाएगा पोस्चर वोस्चर सब कुछ। टाइम लेता है थोड़ा सा, काफ़ी इफेक्टिव है यार, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है सूर्य नमस्कार। कोई वर्कआउट ना करो आप, दिन में 10 सूर्य नमस्कार से कर लो, परफेक्ट दिन निकलेगा, करके देखो आप लोग। मैं भाई काफ़ी वर्कआउट किया हूँ, हर चीज़ कर रखा हूँ, बट भाई एक टाइम के बाद लगता है कि एक्स्ट्रा वेट लगा के वर्कआउट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अपने बॉडी वेट से वर्कआउट करो, योगा करो, इज़ अ वेरी गुड आइडिया। सो ये आप खुद चीज़ खुद फेस करो, एक्सपीरियंस करो इन सब चीज़ों को, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। तो सारी चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस ले रखा है तब मैं ऐसे बात कर पा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। चलो फटाफट से रेडी होते हैं। गाइस पहले स्कूल से आ गया, थोड़ा सा एडिटिंग करना है मेरे को एक व्लॉग की और अपलोड भी करना है, तो पहले लैपटॉप ऑन करके बैठ जाता हूँ फटाफट से लैपटॉप पे अपने एडिटिंग टेबल पे और निपटाते हैं एडिटिंग वगैरह। मिलते हैं आपसे खट्ट खट्ट एडिटिंग निपटा के। पहले कपड़ा चेंज कर लूँ, आधा लीटर दूध आते साथ ही पानी दे दियो यार। मम्मी आईफोन से भी डाटा ट्रांसफर खोल दो, आईफोन से डाटा भी ट्रांसफर करना बाकी ही है। अब आईफोन मेरा हो गया परमानेंटली स्विच्ड ऑफ, मतलब फ्लाइट मोड। अब मैं इसको फ्लाइट मोड से हटाने से रहा और इसमें कितना डाटा है भाई यार, मतलब मेरे को एक DM आया था कि भाई मुझे अपना रेंट GoPro रेंट पे दे दो। मुझे समझ में नहीं है भाई कौन सा नशा करके उसने मेरे को DM कर दी कि भाई मुझे रेंट पे दे दो। कमाल है, लोग भी अतरंगी से लोग होते हैं। GoPro रेंट पे चाहिए, छोड़ो मैं क्या ही बात कर रहा हूँ बट फिर भी मेरे को सोच के हंसी आ रहा है यार, मतलब वो बंदा क्या सोच के मेरे से रेंट पे मांग रहा है कोई ना, बच्चे हैं सब। जितनी भी फाइल्स आप लोग देख रहे हो यहाँ पे वो सारे 4K 60 की फाइल्स हैं, मतलब 4K में 60 फ्रेम पर सेकंड वाली। भाई ये मेरा लैपटॉप 4K 60 सपोर्ट ही नहीं कर रहा, अटक जा रही, तो मैं बार बार इसको स्मूथ करके फिर से एडिट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं भाई 60 में बनाया करूँगा, अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं स्लो मोशन भी कर लूँगा उसको। बट एडिटिंग में पता चल रहा है कि मेरे लैपटॉप की उतनी औकात ही नहीं कि 4K 60, 4K 30 में आराम से झेल जाता है, 4K 30 में इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, बट 4K 60 में तो इसके फटके हाथ में आ गई भाई, मैं क्या ही करूँ। हो भाई तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई फाइनली मेरे को मैकबुक जो लेटेस्ट और सबसे टॉप एंड मॉडल है उसमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एयर जो है 1080 के लिए बेस्ट है। मेरा काम 4K में होता है, सारे ब्लॉग्स 4K में डालता हूँ, तो मेरे को मैकबुक चाहिए, वो भी टॉप एंड हाई ग्राफिक्स एंड हाई रैम वाला। बजट बनाते हैं भाई 3 लाख रुपये, सोच के चक्कर आने लग रहा है 3 लाख रुपये। लेट्स सी, हार्ड वर्क करेंगे आएगा, एक ना एक दिन तो जरूर लाएंगे, लेकिन भाई जब तक नहीं आ रहा तब तक यही है सहारा। फाइनली एडिटिंग ख़त्म। सबसे बड़ा मेरा मेन टेंशन होता है ना कि मैं अपलोड कैसे करूँ, ना इतनी अच्छी स्पीड आती है ना उतना अच्छा इंटरनेट है मेरे पास। कोचिंग का टाइम हो गया तो कोचिंग चलते हैं, और
शशांक और अमृत मे भी स्कूल से ही डायरेक्ट आएंगे, तो अब 3:50 हो रहा है, लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं। मैं कोचिंग गया था, कोचिंग से आया और रात साथ ऐसे केले मैंने दे, अरे भाई ले आ, मम्मी हटाओ, मेन काम था डाटा ट्रांसफ़र करना, इसलिए मैं आया हूँ। कोचिंग अभी आधा घंटा लेट से, आधा घंटे पहले चला गया था, बाइक से गया, आ गया भाई, क्या केला है भाई, एक केला भाई लिटरली आधा किलो का एक केला है, इतना मोटा मोटा, मजा आ गया। शशांक का भी मुझे कॉल है, उसने बताया कि भाई आज कोचिंग नहीं चलेगा, सर ने ऐसा बताया। मैंने कहा ठीक है भाई कोई ना, सर कहीं गए हुए हैं। सो बस मैं व्लॉग अपलोड होने के लिए लगा दिया हूँ और खेलने का प्लान बनाता हूँ। कोचिंग नहीं है, चलते हैं रनिंग के लिए सूरज के साथ, बाइक निकालता हूँ, चलता हूँ। मम्मी मम्मी जैकेट ले लेता हूँ, शर्ट तो है नहीं, यहाँ से टैनिंग हो रहा है, जैकेट दी हो दे। तो ये निकल चुके हैं भाई, काफी टफ हो जा रहा है, मतलब पीछे बैठा है साला, पकड़ बैठ के आ गया जुट्टे चिल्ला रहे आ गया आ गया। जय जय श्री राम। अरे भाई कोई और बोल ही नहीं रहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बात, परफेक्ट लोकेशन, परफेक्ट स्लोगन। तो भाई ग्राउंड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ भाई साहब को, भाई साहब को इंट्रोड्यूस कराते हैं, सरवार है काफी ज्यादा, राजवीर है और सूरज, चलो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, रनिंग करते हैं, काफी बड़ा सा ग्राउंड है, लेट्स सी कितना राउंड्स लगा पाता हूँ। क्या हुआ, कहाँ सरवा रहे हो, ठीक है जाते हैं, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। चलो अब रनिंग करते हैं, सीधे रनिंग करके मिलते हैं। सूरज पता नहीं क्या कर रहा, सूरज मुझे नहीं पता, आप लोग सोच लो। I'm done with 6th round, 6th round इस पड़ाव के, इसका नाम गगहा का पड़ाव है भाई, इस यूज लिटरली वेरी यूज। सूरज को दिखाता हूँ, वो भी वॉक कर रहा है, 6 राउंड लगाया है वो, ये रहा सूरज 6 राउंड लगाया, मैं अभी इसी के साइड जा रहा हूँ अभी, ये रहा। चलो बिना क्रैप बैंडेज के मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ, फिर भी 6 राउंड इज नॉट अ बैड डील। सूरज हिट लगाए, प्रधान जी जीत गए, सॉरी राजवीर जो है हिट में जीत गया मेरे से, काफी बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, जीतने लगे हो। अरे नहीं भाई भाई भाई, सब मजाक हंसी मजाक चलते रहते हैं, वर्कआउट करते हैं, आफ्टर डेट लेट्स सी क्या करना है। साइकिल से गया था मैं रनिंग के लिए और चेतक खड़ा है इधर, सो अब लेके इसको चलते हैं घर। कैसा है भाई चेतक, सॉरी भाई तुझे नहीं ले जा पाया, बट आई लव यू, तभी सेफ है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सेफ है, सूरज के घर के पास, सूरज का पेट्रोल पंप कह लो, बहुत पैसे वाली पार्टी है ये, अरे चलें लेट्स गो। चेतक तो भाई ब्लैक ब्यूटी काती लगता है, सेक्सी ना, एकदम सेक्सी, एकदम साफ है इसे। इस ब्लॉग को इधर ही एंड कर दिया जाए, यहाँ तक देख लियो गाइस, तो प्लीज मेक श्योर कि लाइक करके जा रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बता दें कैसे, वीडियो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाय, #peace, I know you love me।